गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर सचिन नारखेड़े है। मैं यहाँ पे मीना हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में काम करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे NICU, मतलब जो छोटे बच्चे जो रहते हैं, कोई प्री टर्म रहता है या कोई टर्म है जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, उनके बारे में अपने पास सब फैसिलिटीज़, सब ट्रीटमेंट है। अपने पास वेंटिलेटर है, CPAP है, फोटोथेरेपी के लिए भी अपने पास इलाज होता है, और अपने पास जनरल वार्ड भी है और PICU भी है। अगर किसी बड़े बच्चों को भी अगर सांस लेने में तकलीफ़ है, बुखार है या कुछ है, तो उसका सब इलाज अपने पास रहता है। अपने पास सारे 24 आवर्स पीडियाट्रिशियंस रहते हैं, 24 आवर्स अपने पास OPD रहता है, इमरजेंसी रहता है, 24 आवर एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, और अगर कुछ खुदा ना खास्ता अगर कुछ सर्जरी की या कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसके इसके लिए भी अपने पास सर्जन अवेलेबल रहते हैं। सर, जैसा कि बिना मशवरे के मेडिकल पे से दवाएं लेके बच्चों को दे देते हैं, क्या नुकसान आता है? नहीं, उसमें क्या होता है, क्योंकि वेट वो लोग चेक नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सी दवाई कब देना है, कितनी बार देना है और डोज कितना देना है, तो कम ज़्यादा डोज के वजह से भी बच्चे को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम पे भी सुना होगा, फॉरेन में एक बार कुछ खांसी की दवाई की वजह से बच्चों की डेथ हो गई थी, तो उसमें कभी कभी डोज कम ज़्यादा भी हो गया समझो, तो उसके वजह से भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ हो सकते हैं। सो ऐसे खुद से तो दवाई कभी नहीं डालना, हम हमेशा वही एडवाइस देते हैं लोगों को कि खुद से दवाई कभी नहीं डालना है। एंटीबायोटिक भी अपन जब बार बार एंटीबायोटिक जब अपन यूज़ करते हैं तो उससे भी बच्चे को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके रेजिस्टेंस होता है, फिर बाद में वही सेम एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करता है। सो इसलिए खुद से एंटीबायोटिक या दवाइयाँ हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना है, खुद से दवाई नहीं लेना है। सर, जैसा आपकी टाइमिंग है? मेरा टाइमिंग यहाँ पे जो है वो 11 to 2 और 5 to 8 डेली मंडे टू सैटरडे रहता हूँ। संडे को अराउंड मैं 1 to 3 o'clock तक रहता हूँ यहाँ पे मीना हॉस्पिटल में मेहदीपट्टनम।